चलो अभी हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड क्या होता है हमने देखा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में होता है, क्रिस्टलाइन नेचर होता है आयोनिक कंपाउंड का। अब इसकी जनरल प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी दिया है देखो, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयन इज स्ट्रॉन्ग, देयरफॉर द आयोनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एंड आर हार्ड। ठीक है, तो जनरली सॉलिड स्टेट में होंगे और हार्ड होंगे, क्यों? क्योंकि किससे बने आयोनिक कंपाउंड, कैसे बने? आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड यानी क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है आयन्स के बीच में, वो स्ट्रॉन्ग होता है, और स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से जो एटम्स एक दूसरे से आयन जो ऐसे जुड़ जाते हैं, तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, इजिली वो छूट नहीं सकते, ठीक है, ब्रेक नहीं हो सकते, इसलिए स्ट्रॉन्ग होता है, सॉलिड होता है ये और हार्ड होते, समझ में आ गया। तो जनरली आयोनिक बॉन्ड्स आर सॉलिड एंड हार्ड, ये प्रॉपर्टी होगी। क्यों? उसका रीजन क्या दिया है? बिकॉज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज आयन इज स्ट्रॉन्ग, आगे ध्यान में। तो रीजन भी दिया है वहां पर, प्रॉपर्टी क्या है, द आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड हार्ड, रीजन क्या है, बिकॉज द पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज के बीच में जो द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होगा उतने वो एटम्स एक दूसरे से एकदम जुड़े रहेंगे, पक्के जुड़े रहेंगे, स्ट्रॉन्ग फोर्स रहेगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उनके बीच में। तो जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, जितने एटम्स एक दूसरे से ज्यादा जुड़े रहेंगे, उतना क्या होगा, सॉलिड होगा और हार्ड हो जाएगा। तो समझ में आ गया फर्स्ट। सेकंड प्रॉपर्टी है, द आयोनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल एंड कैन बी ब्रोकन इन टू पीसेस बाय अप्लाइंग प्रेशर। ठीक है, सॉलिड और हार्ड तो होते बट दे आर ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब अगर आप उसको प्रेशर से मारोगे तो इट ब्रेक्स इन टू पीसेस, छोटे छोटे पीस में ये हो जाएगा, ठीक है, क्रश हो जाएगा पूरा, तो दैट इज कॉल्ड ब्रिटल। तो वी कैन से सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी, आयोनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल, समझ में आ गया सेकंड प्रॉपर्टी। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखो, द इंटरमोलिकुलर, ये बॉइलिंग पॉइंट के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के लिए, तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जनरली क्या होगा, आयोनिक कंपाउंड का हाई होगा। क्यों हाई होगा फिर से, क्योंकि फिर से रीजन वही होगा क्या, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से, वो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, मेल्ट होना के यानी क्या होता है, मेल्ट होना यानी क्या होता है, ये मान लो सॉलिड है, तो सॉलिड के एटम्स कैसे होते हैं, एक दूसरे से एकदम जुड़े होते, ठीक है, बिल्कुल गैप नहीं होती, जितनी गैप कम होगी उतना ज्यादा हार्ड होगा, ठीक है। अब ये बॉन्ड को अगर ब्रेक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मोर एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, ज्यादा से एनर्जी यानी हीट, तो मोर हीट लगेगी इनको ब्रेक करने के लिए। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतनी ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी, इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, समझ में आ गया। तो इसलिए बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन्स, अगेन द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स इज हाई, ज्यादा रहेगा। तो थर्ड प्रॉपर्टी होगी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अभी देखो फोर्थ प्रॉपर्टी दिया है, आयोनिक कंपाउंड्स आर वाटर सोलुबल, दिस इज बिकॉज द वाटर मॉलिक्यूल्स ओरिएंट इन अ पर्टिकुलर मैनर अराउंड द आयन सेपरेटेड बाय डिसोसिएशन प्रोसेस। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं अभी, ठीक है। तो हमने तीन प्रॉपर्टीज अभी देखा, फोर्थ प्रॉपर्टी में बहुत बता रहा था, लेकिन हम पहले तीन को आप नोट कर लो फिर फोर्थ, ठीक है, इनके बाद में देखेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट, आयोनिक कंपाउंड आर सॉलिड एंड हार्ड, रीजन दिया है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन। सेकंड है, आयोनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल एंड कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस बाय अप्लाइंग प्रेशर। एंड थर्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़ा, आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, अगेन रीजन दिया है, दिस इज बिकॉज द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई, ठीक है, इन आयोनिक कंपाउंड्स एंड लार्ज एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम इट, और इस फोर्स को ओवरकम करने के लिए, क्योंकि मेल्ट करने के लिए फोर्स ज्यादा होना, तो हीट ज्यादा सप्लाई करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई। अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी देखो, ठीक है, हमें थोड़ा समझाना था इसलिए तीन महीने आपको लिख के दिया पहले नोट करने के लिए, अभी हम फोर्थ के ऊपर आएंगे। अब देखो, आयोनिक कंपाउंड्स आर जनरली सोलुबल इन वाटर, तो आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वाटर में सोलुबल होते, सोलुबल का मतलब डिजोल्व हो जाते पूरी तरह से, ठीक है।
एंड इनसोलुबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन पेट्रोल, लेकिन केरोसिन पेट्रोल अगर ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है इसमें इनसोलुबल है, बोलते उसमें वो डिजोल्व नहीं होता। अगर ये आयोनिक कंपाउंड आप केरोसिन या पेट्रोल में डालोगे तो उसमें डिजोल्व नहीं होगा, लेकिन अगर वाटर में डालोगे तो डिजोल्व होता है। सिंपल एग्जाम्पल NaCl सॉल्ट जो हम घर में यूज करते हैं, ठीक है, तो वाटर का सोल्यूशन बनाते हैं, डिजोल्व होता है। अभी डिजोल्व क्यों होता है, उसकी प्रोसेस क्या है, क्यों डिजोल्व होता है, वाटर में क्यों डिजोल्व हो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है। दिस इज बिकॉज द वाटर मॉलिक्यूल ओरिएंट इन अ पर्टिकुलर मैनर अराउंड द आयन सेपरेटेड बाय डिसोसिएशन प्रोसेस। डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, सेपरेशन होना, डिसोसिएट होना मतलब अलग होना, डिसोसिएट, ठीक है। अब जब भी हम देखो, जब भी वो कंपाउंड जो होता है आयोनिक कंपाउंड, उसको जब भी हम वाटर में मिक्स करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, वो डिसोसिएट हो जाएगा अपने आयन में, जिस आयन से वो बना है उसमें डिवाइड हो जाएगा, उसको बोलते हैं डिसोसिएशन, सेपरेट होना। फॉर एग्जाम्पल अगर NaCl का हम एग्जाम्पल ले, तो NaCl में कौन से दो आयन है, Na प्लस और Cl माइनस, तो एज ए NaCl ये न्यूट्रल कंपाउंड, यहाँ कोई प्लस और माइनस चार्ज नहीं है, ठीक है, न्यूट्रल कंपाउंड है, लेकिन जब उसको हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तब क्या होगा, ये Na प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और Cl माइनस में, तो डिसोसिएट हो जाएंगे दोनों आयन, सेपरेट हो जाएंगे, आगे धन्य। तो डिसोसिएशन प्रोसेस के वक्त अब इसका डिसोसिएशन हो रहा है, और तभी क्या हो रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इन जो चार्जेस है इनको घेर लेते हैं, ठीक है, ओरिएंट हो जाए, ओरिएंट होना क्या है, पर्टिकुलर वो ये पॉजिटिव और निगेटिव जो भी है इसको क्या कर लेते, घेर लेते, उसको अपने आप को उसके साथ अटैच कर लेते। तो जो ओरिजिनल फोर्स, ओरिजिनल फोर्स किसके बीच में, Na प्लस और Cl माइनस के, तो ये इनके बीच का फोर्स कौन रिप्लेस कर लेता है, कि वाटर मॉलिक्यूल और ये जो आयन है ये इनके बीच में बन जाता है, मतलब ओरिजिनल फोर्स को तोड़ के नया एक फोर्स बन जाता है, अट्रैक्शन फोर्स किसके बीच में, वाटर के मॉलिक्यूल और आयन में बन जाता है। आगे देन इसके, तो दिस इज बिकॉज द वाटर मॉलिक्यूल ओरिएंट इन अ पर्टिकुलर मैनर अराउंड अ आयन, ठीक है, तो जो आयन सेपरेटेड बाय डिसोसिएशन प्रोसेस, तो डिसोसिएशन प्रोसेस में जो आयन सेपरेट हो गए, इन आयन के सराउंडिंग में ये जो वाटर के मॉलिक्यूल है ये अपने आप को ओरिएंट कर देते, ठीक है, अरेंज कर देते पर्टिकुलर मैनर में, जिसके वजह से क्या होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अ न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एस्टैब्लिश्ड। इस वजह से क्या होगा, ये पर्टिकुलर जो वाटर मॉलिक्यूल की जो कैपेसिटी आप बोलेंगे उसका जो नेचर है, कि वो किस तरह से एक्ट होता है, ये जो आयन सेपरेट हो गए तो इसको घेर लेता है सराउंडिंग में और अपने आप को इसके साथ अटैच कर लेता है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस न्यू फोर्स, नया फोर्स इस्टेब्लिश होता है, डेवलप होता है वहां, किसका, अट्रैक्शन का, बिटवीन द आयन एंड द सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल जो वहां ओरिएंट हो गए, उस आयन को के पास जो सराउंडिंग में आ गए, वो आयन और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, एक नया अट्रैक्शन का फोर्स डेवलप होता है, एस्टैब्लिश होता है, और ये फोर्स किसको रिप्लेस कर लेता है, रिप्लेसिंग द ओरिजिनल इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, ठीक है, तो ओरिजिनल जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है जो आयन्स के बीच में, उसको ये रिप्लेस कर लेता है, उसके बीच में आ जाता है। आगे जाएंगे, एंड एक्वस सोल्यूशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड आर फॉर्म, और इस तरह से एक्वस सोल्यूशन तैयार हो जाता है, ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल की ये स्पेशल टेंडेंसी है इस तरह से करने की, लेकिन ये टेंडेंसी दूसरे इसमें नहीं है, ठीक है। अनलाइक वाटर अ न्यू अट्रैक्टिव फोर्स कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड इन सॉल्वेंट लाइक केरोसिन एंड पेट्रोल, ठीक है, लेकिन जिस तरह से ये वाटर की टेंडेंसी है इस तरह से आयंस को ओरिएंट करने की और सराउंडिंग में नया अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप करने की, ये कैपेसिटी इनमें नहीं है, केरोसिन और पेट्रोल में होगा, इसलिए इसमें डिजोल्व नहीं है, ठीक है। ये जब आयन में सेपरेट हो जाता है तो वाटर मॉलिक्यूल इनको सराउंडिंग में अटैच हो जाता है, ठीक है, और नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें डेवलप हो जाता है दोनों के बीच में, तो इस वजह से पूरी तरह से क्या होता है, वो डिजोल्व हो जाता है, जो भी आयोनिक कंपाउंड है तो वाटर में डिजोल्व हो जाता है, लेकिन केरोसिन और पेट्रोल में नहीं होता, क्योंकि अनलाइक वाटर अ न्यू अट्रैक्टिव फोर्स कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड इन सॉल्वेंट लाइक केरोसिन एंड पेट्रोल, ठीक है, देयरफॉर आयोनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन एंड पेट्रोल। तो क्वेश्चन आ सकता है, Why the ionic compounds are soluble in water but not soluble in solvent like kerosene and petrol? ठीक है, तो उसका आंसर ये होगा, या why कुछ भी आ सकते, वाटर के लिए पूछ सकते हैं, या why it is insoluble ये भी पूछ सकते हैं आपको, ठीक है, तो दोनों का आंसर यहाँ पर है। आगे दिन में क्यों वाटर में सोलूबल है, तो उसका आंसर ये हो गया, और क्यों केरोसिन और पेट्रोल में सोलूबल नहीं है, तो उसका आंसर ये हो गया, ठीक है, कि वाटर की तरह ये नया अट्रैक्टिव फोर्स नहीं बना सकते, इस्टैब्लिश नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी
आयोनिक का यहाँ तक प्रॉपर्टी और एक्सप्लेनेशन है क्यों होता है, उसी को आपको अगर प्रॉपर्टी पूछा है तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, व्हाट आर द राइट द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, तो आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज लिखना है। पहली प्रॉपर्टी, आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड हार्ड, एक्सप्लेनेशन नहीं करना क्यों है सॉलिड, अगर रीजन पूछा है तो करना, हमें सिर्फ प्रॉपर्टी लिखना है। प्रॉपर्टी क्या होगी, सॉलिड एंड हार्ड। सेकंड, ब्रिटल, आयोनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल एंड कैन बी ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स इज हाई। अगर देन फोर्थ प्रॉपर्टी, आयोनिक कंपाउंड्स आर जनरली सोलुबल इन वाटर बट इनसोलुबल इन द सॉल्वेंट्स लाइक केरोसिन एंड पेट्रोल। अब हम फिफ्थ प्रॉपर्टी देखेंगे जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी, कंडक्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, उसके ऊपर तो नोट कर लो, आयोनिक कंपाउंड की फोर्थ प्रॉपर्टी, जनरल प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं, तो आपको नोट कर लेना है। ठीक है, तो आयोनिक आयोनिक कंपाउंड्स इन देयर सॉलिड स्टेट, फिफ्थ प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। सो आयोनिक कंपाउंड्स इन देयर सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। ठीक है, क्यों नहीं होती, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए, फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी यानी क्या होता है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, अब चार्ज फ्लो ही नहीं हो रहा, चार्ज अवेलेबल ही नहीं हुआ, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी क्या, नहीं होगी। ठीक है, अब ये जो रिजिड स्ट्रक्चर होता है सॉलिड फॉर्म में जब होता है तो कैसा होता है, रिजिड हार्ड स्ट्रक्चर होता है उसका, ये न्यूट्रल है, यहाँ कोई आयन नहीं है। जब वो आयोनिक कंपाउंड बन जाता है तो न्यूट्रल हो जाता है, ना तो पॉजिटिव है ना निगेटिव है। अब यहाँ आयन ही नहीं है एक जगह से दूसरे जगह फ्लो होने के लिए, तो इसकी वजह से सॉलिड स्टेट में क्या होता है, आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिकली कंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। ठीक है, द आयोनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द फ्यूज्ड और मोल्टन स्टेट, लेकिन जब उसको फ्यूज स्टेट में करेंगे, फ्यूज यानी मोल्टन वाला स्टेट, मेल्ट करेंगे उसको, बहुत ज्यादा हीट करेंगे और वो मेल्ट जब होगा, तो मेल्ट होगा तो क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा, मोल्टन स्टेट बोलते हैं उसको, या फ्यूज स्टेट बोलते हैं। तो फ्यूज और मोल्टन स्टेट में जब रहेगा तब वो कंडक्ट करेगा, क्योंकि वहां आयंस अवेलेबल हो जाएंगे मोशन के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की क्या क्या चाहिए, चार्जेस चाहिए, मतलब आयंस होना जरूरी है। तो ये चार्ज पार्टिकल यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे जब उसको हम मेल्ट करेंगे, मोल्टन स्टेट में, फ्यूज स्टेट में रहेगा या सोल्यूशन के फॉर्म में रहेगा। आगे जाएंगे, द एक्वस सोल्यूशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज दे कंटेन डिसोसिएटेड आयन। अब जब हम एक्वस सोल्यूशन बनाते, आप नमक में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो नहीं होगा। ठीक है, सॉल्ट में, जब सॉलिड स्टेट में, लेकिन थोड़ा भी वाटर कंटेंट अगर उसमें है, अगर गीला नमक है या आपको नमक का पानी बना, सॉल्ट को आप वाटर में डिजॉल्व करो फिर करंट पास करो तो पूरा कंडक्ट होगा उसमें, वाटर में। ठीक है, तो क्यों हो रहा है, क्योंकि जब भी हम डिजॉल्व करेंगे डिसोसिएट होगा आयन, और ये आयन अवेलेबल हो जाएंगे एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ठीक है, तो पॉजिटिव और निगेटिव दो इलेक्ट्रोड रहेंगे, तो जो पॉजिटिव चार्ज आयन है वो निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, और जो निगेटिव आयन है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, मतलब ट्रांसफर होंगे आयन इधर से उधर, मूवमेंट चालू हो जाएगा आयन का, और आयन का मूवमेंट होना मतलब ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। आगे जाएंगे, तो जब भी सॉलिड स्टेट में रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे आयोनिक कंपाउंड, क्योंकि सॉलिड स्टेट में फ्री चार्जेस वहां नहीं होते, फ्री आयंस नहीं होते। ठीक है, जबकि मोल्टन और फ्यूज स्टेट में या सॉल्यूशन के फॉर्म में जब होता है तो वहां चार्जेस, चार्ज पार्टिकल अवेलेबल है, ठीक है, आयंस अवेलेबल है, और ये पॉजिटिव और निगेटिव आयन अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, वो इसकी वजह से मूवमेंट होगी आयन की, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी वहां कंडक्ट होगी। ठीक है, सो इसलिए यहाँ लिखा है, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज दे कंटेन द डिसोसिएटेड आयंस, व्हेन करंट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन द आयन मूव टू द अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड। तो जब भी हम करंट पास करेंगे दोनों इलेक्ट्रोड से, तो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ आयंस जाएंगे। ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन फ्यूज एंड डिजॉल्व स्टेट द आयोनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। अब ये इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है इनकी सॉल्यूशन के फॉर्म में, डिजॉल्व स्टेट में, इसलिए इसको इलेक्ट्रोलाइट करके हम यूज करते हैं। तो दीज आर फाइव प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन मोल्टन या फ्यूज स्टेट या डिजॉल्व स्टेट में सॉल्यूशन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता। ठीक है, तो इतना ही, कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।